हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमन, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे फैक्ट्री में जहां पर दिखाने वाला हूं इस तरह की जो स्लीपर मेकिंग सीट्स तैयार होती है और इनका सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूं और साथ ही आप कैसे चप्पल बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। कई सारे लोगों का यह बिजनेस ठप भी पड़ गया है रॉ मटेरियल के कारण, तो वो भी बताने वाले हैं कि उनका बिजनेस कैसे ठप हो गया है। तो मिलते हैं फैक्ट्री के ऑनर से। हेलो सर, कैसे हो आप? आइए सर। हेलो सर, वेलकम टू माई चैनल सर। हेलो सर, नमस्कार। सर अपने बारे में कुछ बताएंगे? सर मेरा नाम चेतन है, मैं रोशनी इंडस्ट्री का मालिक। मैं आप लोगों के लिए ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जो इस बिजनेस में लोग बहुत सारे लोग ठप हो चुके हैं, जिस लोगों ने मशीनें लगा के अपना बिजनेस बंद कर रखा है, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा लेके आया हूँ। जो लोग अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं वो दोबारा से अपना ये व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती है इस बिजनेस में वो भी आपको मैं बताऊँगा आज। अच्छा, लोगों ने मशीन तो आपको यूट्यूब पर बहुत दिखाई होंगी, मटेरियल भी बहुत दिखाया होगा, लेकिन मटेरियल किस तरीके से तैयार होता है वो नहीं दिखाया होगा आपको। आज मैं वो लाइव दिखाऊँगा आपको किस तरीके से रबड़ को बनाया जाता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी आपको कि वो प्रोडक्ट किस चीज़ से बनाया जा रहा है, तो आप फेल तो होंगे ही कहीं ना कहीं। तो यही प्रॉब्लम है मटेरियल की, आप लोग मटेरियल कहीं गलत जगह से उठा लेते हैं, सही जगह से आपको कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए आज सर को मैंने बुलाया था कि वो सर मेरी वीडियो आज शूट करें और फैक्ट्री विजिट करें और लोगों को सही राय दे पाएँ कि कहाँ मटेरियल सही मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम आता है लोगों को। तो यहाँ पर इस तरह की आप ये सीट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सीट्स के बारे में? सारा सीट्स है हमारा। हाँ। ये अलग अलग सीट्स आप देख सकते हैं, इतना बड़ा सीट है ये, 30 जोड़ी का सीट है ये, इसमें अलग अलग क्वालिटी होता है। 30 जोड़ी मतलब 30 जोड़ी या चप्पल मतलब तैयार हो सकते हैं? 60 पैर निकलेगा। अच्छा, 30 पेयर। अच्छा ठीक है, ये देख सकते हैं आप क्वालिटी इसका, ये पूरा रिलैक्सो का क्वालिटी है, जैसे मर्जी आप मोड़ के देख लीजिए, कोई दबने या घिसने या टूटने का शिकायत नहीं आएगा, जैसे मर्जी चाहे आप देख सकते हैं। और ये अपनी मन मर्जी से भी लोग बनवा सकते हैं, जैसा कलर बताएंगे वैसा कलर बन जाएगा। इसमें अलग अलग डिज़ाइन है, आप देख रहे हैं ये मैट का डिज़ाइन है, ये प्लेन डिज़ाइन था, और अभी मैं आपको ये सारा हमारा स्टॉक देख रहे हैं आप, ये सारा स्टॉक है, अलग अलग इसमें डिज़ाइन है। एक ये सिम्बा, ये टाइगर सीट है, इसको अच्छे से देखिए आप, पूरा ये सारा स्टॉक लगा हुआ है। ये देखिए पूरा कलरफुल सीट है, जैसे मर्जी चाहें आप अपनी मन मर्जी से भी बनवा सकते हैं सीट, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा स्टॉक जो तैयार है वही माल बनवाएं, आप अपने अपने ब्रांड से भी बताएंगे तो उससे भी आपकी सीट्स बन जाएगी। ये सारा अलग अलग क्वालिटी है, इसमें रिलैक्सो हो गया, लखानी हो गया, एक्वालाइट है, बहामास, ये सारी वैरायटी की आपको सीट्स मिलेगी। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से मटेरियल तैयार होता है। जैसे सर कई सारे जैसे अगर चप्पल बनाते हैं उसमें ब्रांड का वो इम्बॉस होता है, वो किस तरह ब्रांड का होता है? जैसे आपने देखा होगा एक्वालाइट है, एक लखानी है और एक बहामास है, ऐसे आपने स्लीपर्स में बहुत ब्रांड का ब्रांडिंग देखा होगा, तो वो भी ब्रांडिंग हो जाएगी। अगर कोई पार्टी अपने नाम से ब्रांडिंग करवाना चाहता है, अपना ब्रांड का लोगो रखना चाहता है, तो वो भी हो जाएगा आपका। तो ये अभी सिंपल है, इसमें विदाउट, अगर आप उसके लिए डाई का कॉस्ट लगेगा, उसका डाई बनता है अलग से, अगर कोई भी नाम से आप काम करवाते हैं तो उसका डिजाइनिंग होगा, डाई बनेगा, उसका अलग से कॉस्ट आएगा, वो आपको अलग से देना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है ये दिखाएंगे। अब मैं आपको कच्चा मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है वो पूरा दिखाऊंगा, किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है, रबड़ कैसे तैयार किया जाता है। ये देखिए हमारा कच्चा मटेरियल है, इसी को हम मशीन में डालते हैं, इस तरीके से हमारा मशीन में ये प्रोडक्ट चलेगा, उसके बाद रबड़ है ये कच्चा मटेरियल और ये सारा पाउडर है, ये मिक्स किया जाता है, ये ईवा पाउडर बोलते हैं इसको, LD होता है, रबड़ होता है। ये सारी प्रोडक्ट की जानकारी आपको सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है कि क्या रबड़ होती है, क्या LD होती है, क्या ईवा होती है। तो ये सारे प्रोडक्टों को मिक्स करके रबड़ बनाई जाती है। ये सारे कलर्स हैं, जैसे जैसे सीट्स में हमें कलर बनाना है, व्हाइट में बनाना है या ब्लू में बनाना है, ये सारा कलर होता है। तो हमारा सीट वजन कलर आप मांगोगे वो कलर यहाँ से मिल जाएगा। जी जी, जो भी कस्टमर अगर मांगता है अपने अपने तरीके से, वो मांगता है कि ये कलर में मुझे बनाना है या अपने ब्रांड की सीट्स बनानी है, तो वो भी तैयार हो जाएगा। ये सारा प्रोडक्ट, ये कच्चा मटेरियल था। अब मैं आपको दिखाऊंगा रबड़ को कैसे मिक्स किया जाता है मशीन में, हमारा किस तरीके से मिक्स होता है, पाउडर को मिक्स करके कलर मिक्स किया जाता है। अच्छा। रबड़ कैसे बनाई जाती है यहाँ पर, एक्चुअली में मिक्सिंग होता है ये सारी मशीन हमारी मिक्सिंग वाली मशीन है, इसमें रबड़ मिक्स किया जाता है और कलर डाल के मिक्स किया जाता है। अच्छा। ये सारी हमारी मिक्सिंग की मशीन है और एक हमारी मिक्स है, मिक्स होने के बाद ये सीट्स इसमें बन के जाती है। अब मैं आपको सीट्स दिखाऊंगा किस तरीके से सीट्स बनती है हमारी, ये पूरा सीट्स है इस तरीके से, पतला पतला छोटा सा रबड़ सा होता है, ये सीट्स बनके इस मशीन में मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद हमारे जो सीट बनती है बड़ी वाली जो मशीन मैंने आपको दिखाई थी उसमें आपका सीट्स बन के जाएगा।
तो एक्चुअली में ये इस तरह की इतने पतले पतले ये पतला पतला रबड़ मिक्स किया जाता है, ये रबड़ है। अभी मैंने आपको दिखाया था सीट में मशीन में कैसे सीट मिक्स किया जाता है, रबड़ को कैसे मिक्स किया जाता है। मिक्स होके ये आ चुकी है, देखिए इस तरीके से रबड़ है। ये छोटा छोटा पीस है, इसको कलर बनाने के लिए हम, जैसे ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, जब हम मिक्स करके सीट बनाएंगे तो इस तरीके से कलरफुल सीट्स बनता है। ये छोटे छोटे पत्ते लगाए जाते हैं ये सीट मशीन में। ये सीट्स रबड़ है, ये प्योर रबड़ है, इसका वजन तोला जाता है इस पे, उसके बाद ये मशीन में फिट होता है। मशीन में बन के निकलेगा, उसके बाद ये सीट बड़ा होकर निकलता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर दोनों साइड अलग अलग कलर था, तो ये अगर मिक्स होगा, ये जैसा कलर हमें बनाना है सीट का वैसे मिक्स किया जाता है। बीच में व्हाइट लगेगा, नीचे ब्लू कलर लगेगा, तो ऊपर रेड कलर लगेगा, ऐसे मिक्स करके लगाया जाएगा। ये भी देखिए किस तरीके से लगा रहे हैं, पूरा इसका वजन तोला जाएगा मशीन से। तो वजन किस लिए करते हैं? वजन तोला जाता है ज़्यादा मशीन में, अगर मटेरियल जिस क्वालिटी का हमें सीट्स बनाना है उतना वजन डालना पड़ता है हमें सीट्स का, वो प्रोपोर्शन में जी। अगर एक्वालाइट का सीट बनाना है तो हमें 4 किलो से रखना पड़ेगा, अगर बहामास का बनाना है तो 4.5 किलो, उसी हिसाब से अलग अलग सीट्स का वजन होता है, क्वालिटी के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि एक्वालाइट में कुछ भी मटेरियल डाल दिया है, बहामास में अलग कुछ भी डाल दिया है, लखानी में कुछ भी डाल दिया। अगर क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ करना है तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, अगर क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो आपको जो एक्यूरेट सीट का साइज और वजन है वही एक्यूरेट रखना पड़ेगा उसमें। और इसके बाद ये आएंगे, ये सारा पीस जो मैंने अभी दिखाया था आपको रबड़ बनके इसमें आती है मशीन में, इसमें लगाई जाएगी, मशीन में लगाया जाएगा, मशीन की सफाई हो रही है। उसके बाद ये रबड़ को उसमें लगाएंगे, ये छोटा छोटा रबड़ को उसमें मशीन को लगाने के बाद ये टाइमिंग सेट होगा इस मशीन में। टाइमिंग के बाद ये 11-12 मिनट में सीट्स बन के निकलेगी। आपको अभी तक लाइव किसी ने नहीं दिखाया होगा, ये सिर्फ रोशनी इंडस्ट्री में लाइव दिखेगा आपको सीट्स बनते हुए। ये मशीन धीरे धीरे स्लो स्लो ये बंद होता जा रहा है। इसमें मशीन में टाइमिंग सेट है, यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से सीट्स बनती है। इसमें एक एक जैसा हमें क्वालिटी बनाना है या टाइमिंग सेट करना है उसी हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से मशीन से निकलती है। ये पूरी मशीन लॉक हो चुकी है, इधर देखिए आप, ये देखिए ये पानी में डाला गया है सीट्स, ये पूरा ठंडा किया जा रहा है। इसको रबड़ है, ये भी पूरा इतना सॉफ्ट है, रबड़ है, जैसे मर्जी देख लीजिए आप, टूटेगा नहीं। ये पूरा डिजाइनर सीट है, इतना बड़ा बड़ा सीट आपने अभी तक कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो में कहीं भी नहीं देखा होगा, इतनी सारी वीडियो तो देखी होंगी लेकिन इतनी बड़ी सीट आपको नहीं देखी होगी। तो ये पूरा डिजाइनर सीट है ये। तो साइज क्या क्या रहता है इसका? ये अलग अलग सीट है, कोई 20 जोड़ी का है, कोई 22 जोड़ी, कोई 30 जोड़ी का है, अलग अलग है, 20 जोड़ी से लेकर 40 जोड़ी तक की सीट है। अच्छा, तो ये जोड़ी के अकॉर्डिंग होता जी। तो यहाँ पर सर हमने पूरा प्रोसेस तो देख लिया किस तरह से एक पाउडर से लेके और ये पूरे सीट तक कैसे तैयार होता है वो हमने देख लिया। अब जैसे बात करें बिजनेस की, लोग किस तरह से बिजनेस शुरू कर सकते हैं इसमें? देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, स्लीपर बिजनेस में किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि मेन ये लाइन जो है वो मटेरियल पे डिपेंड है। अगर आप मटेरियल में कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं फेल होंगे, इसीलिए लोगों को आजकल मशीनें लगा के लोग ठप हो चुके हैं, मटेरियल से कंप्रोमाइज़ किया है, या वो 1000-2000 रुपए के चक्कर में कहीं गलत जगह से मशीन उठा लेते हैं तो उन्हें मटेरियल अच्छा नहीं मिल पाता है। और मटेरियल में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो लो क्वालिटी का फॉर्म का सीट दे देते हैं तो उसमें क्या होता है, ये दबाने से सीट टूट जाता है। ये आप जैसे मर्जी मेरी सीट को मोड़ के देख सकते हैं, कैसे भी घुमा के देख सकते हैं, कोई टूटने ना दबने की शिकायत आएगी, 5 से 6 महीने दबने और घिसने की गारंटी है। ये देख रहे हैं पूरा डिजाइनर चप्पल है, इस तरीके से सीट आपको हमारे यहाँ पूरी डिजाइनर सीट मिलेगी आपको, 4 महीने की दबने और घिसने की गारंटी है। ये देखिए पूरा मल्टी कलर में सीट है, इस तरीके से पूरा सीट्स आपको मिल जाएगा, किसी भी तरीके से मोड़िए दबाइए घिसिए कैसे भी नहीं आए। अगर एक सीट में भी मेरी कंप्लेंट आती है तो पूरा सीट के एक जोड़ी के बदले मैं पूरा सीट नया दूंगा। अगर मुझसे कोई भी कस्टमर सीट लेके जा रहा है उसकी एक सीट में एक जोड़ी में भी प्रॉब्लम आई है तो उसके बदले मैं पूरी सीट नहीं दूंगा। ये सारा स्ट्रैप देख रहे हैं आप, किसी भी तरीके से देख लीजिए, ये पूरा हवाई स्लीपर है। स्ट्रैप उनके पास कहाँ से आएंगे? ये सारा हमारा मैन्युफैक्चरर होता है, सीट हो बद्दी हो या मशीन हो, सारा मैन्युफैक्चर हम खुद करते हैं। और अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, मशीन वगैरह लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास
सारी मशीन्स वगैरह मिल जाएंगी। अच्छा, जो अगर ये स्लीपर मेकिंग मशीन्स भी आपके पास मिल जाएंगे? जी, मतलब रॉ मटेरियल से लेके और मेकिंग मशीन तक जी, सारा प्रोडक्ट आपके पास मतलब इन हाउस एक ही जगह आपको मिल जाने वाला है। मशीन हो या मटेरियल, कोई भी आपको कहीं डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक मैन्युफैक्चरर ही ये सारा मटेरियल और मशीन दे देगा आपको। अच्छा, ठीक है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कहीं भी जुड़िए आप, कुछ भी परचेस कीजिए तो एक मैन्युफैक्चरर से कीजिए जो आपको रिस्पॉन्स टाइम पर दे पाए और क्वालिटी दे पाए, क्योंकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। सर, ये अगर देखें इस बिज़नेस में क्या एक प्रॉफिट मार्जिन क्या लोगों का रहता है? प्रॉफिट ये है कि आप होलसेल करते हैं तो एक 15-20 रुपए का मार्जिन आपको मैं एक बचा के दूंगा आपको। अगर मुझसे जुड़ते हैं तो ऐसी क्वालिटी दूंगा आपको, एक जोड़ी पे 15-20 रुपए का मार्जिन आराम से बचेगा होलसेल में, और रिटेल करेंगे तो वही चीज़ आपको डबल प्रॉफिट देगी। जो स्लीपर ये आपकी 40 रुपए में तैयार हो रही है, 35-40 रुपए में तैयार हो रही है, तो होलसेल आपका 60-65 रुपए तक का निकल जाएगा, और अगर इसी को डायरेक्ट रिटेल करेंगे तो 100 रुपए का स्लीपर जाएगा। जैसे बात करें इस सीट्स की, बात करें एक कॉस्टिंग की, बात करें या कितने प्रकार की सीट, तो आपने दिखा दिया कि भाई अलग अलग प्रकार की होते हैं, कॉस्टिंग में क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, सीट्स तो 18-20 वेराइटी की होती है, उसमें क्या है, एक्वालाइट की डिज़ाइन अलग है, बहामास का अलग है, लखानी, रिलैक्सो, एक्वालाइट, ऐसे करके 18-20 वेराइटी हैं। उसमें क्या है, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ता है, जैसे सीट का साइज़ बढ़ेगा वैसे ही रेट भी बढ़ेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि सभी सीट का रेट एक जैसा है या साइज एक जैसा है। मतलब ये है कि भाई अगर आप पहले से भी आपका अगर कोई इसमें मशीन लेके आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पर रोशनी इंडस्ट्रीज से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर सीट्स है, जिस भी क्वालिटी के आप मांगना चाहते हैं, कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, उस तरह के यहाँ से आप सीट ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका ठप पड़ गया है, पहले से बंद पड़ गया है, तो वो आप शुरू कर सकते हैं उसको फिर से, है ना सर? सिर्फ ये मटेरियल हम उन्हीं को नहीं देते हैं जो बंद कर चुके हैं, या कोई नया भी जुड़ना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे मशीन ही खरीदे तो ही हम मटेरियल देंगे, ऐसा हमारी कोई बाउंडिंग नहीं है। मशीन लेना चाहता है मशीन ले, मटेरियल लेना चाहता है मटेरियल ले, जो मर्जी हो उसकी वो ले। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आपने यूट्यूब पर वीडियो तो देखी होंगी जो कहते हैं मशीन लेंगे तभी हम मटेरियल देंगे, ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है। आप मटेरियल लो, मशीन नहीं लो, मर्जी है आपकी। और जो लोग बंद कर चुके हैं इस बिजनेस को, उनके लिए भी एक यही राय है कि वो दोबारा से स्टार्ट करें, हमसे जुड़ें, उनको क्वालिटी वाला मटेरियल मैं दूंगा जो गारंटी 4-6 महीने चल सकता है। अच्छा, और जैसे अगर बात करें इसकी वारंटी क्या रहता है सर? अलग अलग सीट से इसमें कोई 4 महीने की गारंटी वाला है, कोई 5 महीने है, 6 महीने का भी है, इसमें डेनिम का भी सीट है हमारे पास, 1 साल की गारंटी वाला भी सीट्स है। अच्छा, जो मार्केट में आपका 200-250 रुपए का स्लीपर निकलता है वो डेनिम का स्लीपर होता है, 1 साल का गारंटी होता है उसका। कोई आपसे ये सीट लेना चाहता है तो क्या एक कुछ क्राइटेरिया रहता है कि भाई इतने सीट लेने पड़ेंगे, या मिनिमम एक बंडल तो लेगा ही कोई भी? एक बंडल में मतलब 16-17 सीट्स आता है मिनिमम, एक बंडल से लेके 10 बंडल तक, अपना जितना मर्जी हो अपना। ऐसा नहीं है कि 10 बंडल माल लेना है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। तो मिनिमम एक बंडल, एक बंडल मिनिमम लेगा, 10-15 सीटों का बंडल होता है, 15 सीट्स का कम से कम लेगा। तो कैसे क्या ट्रांसपोर्ट का क्या और कैसे आप भेजते हैं? ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधा है हमारे पास, यूपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, हैदराबाद, चेन्नई, इंडिया और इंडिया के बाहर तक हमारा माल सप्लाई होता है, और सारी ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा हमारे पास है। विजिट करना चाहे तो कहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं? अगर हमारी कंपनी में कोई विजिट करना चाहता है तो हमारी कंपनी दिल्ली उत्तम नगर में है। अगर नियर बाई आप दिल्ली बाहर से आते हैं तो नियर बाई आपको उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, नई दिल्ली में आप स्टेशन उतरिए, वहाँ से न्यू दिल्ली से आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, मेट्रो मिल जाएगी उत्तम नगर के लिए। और अगर आनंद विहार उतरते हैं तो वहाँ से भी बस आती है उत्तम नगर डायरेक्ट के लिए। और अगर कोई बाहर से आता है, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो रुकने की व्यवस्था भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, तो ये है कि अगर आप विजिट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, या अगर आप ऐसे घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो जो भी नंबर है और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो इतना भी माल मंगवाना हो, अपना बिजनेस करना हो, आप शुरू कर सकते हैं। एंड एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे सर? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी कॉन्टैक्ट कीजिए एक मैन्युफैक्चरर से जुड़िए जिससे कि आपको माल अच्छा दे पाए और एक रिजनेबल रेट पे दे पाए। अच्छा। फैक्ट्री के रेट पे दे जिससे आपको भी कुछ बचे और एक अच्छी कंपनी से आप भी जुड़ पाएँ। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इस तरह की आप बिजनेस आइडियाज़ को देखने के लिए और भी फैक्ट्रीज़ की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।